दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके रहस्यों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। दोस्तों, कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। दोस्तों, यह असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कामाख्या मंदिर को सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है और इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। दोस्तों, चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का माँ सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। वैसे तो यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, बसंत पूजा, इस समय मंदिर का एक अलग ही महत्व होता है, जिसके कारण इन दिनों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। दोस्तों, हर साल यहाँ अंबुवाची का मेला लगता है और इस मेले के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। दोस्तों, पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है और फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर के भक्तों को अजीबोगरीब प्रसाद दिए जाते हैं। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद मंदिर के दरवाजे जब खोले जाते हैं तो वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग के हो चुके होते हैं। दोस्तों, मंदिर से जुड़े कई अन्य रोचक बातें भी हैं, तो आइए दोस्तों से जानते हैं। नंबर 1, मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है और साथ ही पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माता जानवरों की बलि नहीं दी जाती है। नंबर 2, काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। नंबर 3, दोस्तों मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। नंबर 4, दोस्तों माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में समर्थ है, हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं और कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में भी सक्षम है। नंबर 5, दोस्तों इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है और यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है और अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर अपनी समस्या का निदान कर सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।